बंसी गठन सुंदर की टेस्ट में सरप्राइज एंट्री है, सरप्राइज सबको दे भी दिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बात करें इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि सेकंड टेस्ट का पहला दिन चल रहा था और काफ़ी अच्छा दिन गुजरा, जो कि टीम इंडिया के लिए काफ़ी मज़ेदार दिन था। तो बात करेंगे दोस्तों बंसी गठन सुंदर, क्योंकि उनका सरप्राइज एंट्री हुआ, लेकिन सरप्राइज पूरे टीम इंडिया को दे दिया और पूरे टीम इंडिया के दर्शकों को दे दिए, जो कि सात लगातार सात विकेट लिए बंसी गठन सुंदर। तो बात करेंगे दोस्तों इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, जो कि पहला मुकाबला चल रहा था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लिए अच्छा साबित हो रहा था, लेकिन यहाँ से बंसी गठन सुंदर की एंट्री हुई और फिर आर अश्विन, जो कि दोनों ने मिलकर पूरे न्यूजीलैंड टीम को लुढ़का दिए, पूरे स्पिनरों ने मिलकर 10-10 विकेट लिए। तो बात करेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड ने, जो कि 259 रन बनाए थे 79 ओवर के बाद, अपना 10 विकेट खो दिया। तो बात करेंगे दोस्तों इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छा गेंदबाजी हुई, जो कि बंसी गठन सुंदर और क्या बोलते हैं यार अश्विन, क्योंकि दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा गेंदबाजी की, जो कि पहले सेशन में तो काफ़ी अच्छा मतलब पारी खेल चुके थे, जो कि पहला सेशन में सिर्फ 2 विकेट मिला था भारत को। उसके बाद भाई बात करें तो बंसी गठन सुंदर, जो कि आते के साथ हर ओवर में विकेट झटकाना स्टार्ट कर दिए, जो कि बात करेंगे दोस्तों 40 ओवर के बाद, जो कि न्यूजीलैंड की टीम 138 रन पर 3 विकेट खोई थी, जो कि वहाँ पर 3 में 3 विकेट जो कि रॉयल अश्विन लिए थे, जो कि अश्विन ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद दोस्तों बंसी गठन सुंदर का एंट्री हुआ, बंसी गठन सुंदर ने आते ही के साथ ही पूरा न्यूजीलैंड टीम को साफ कर दिया, जो कि अपना स्पेल में हर ओवर में 1 विकेट लिए हर ओवर में भाई दूसरा सेशन के बाद। तो बात करेंगे दोस्तों 23 ओवर 1 गेंदा में 4 मैडम 59 रन देकर 7 विकेट लिए, जो कि बहुत बड़ा बड़ा विकेट था। तो बात करेंगे दोस्तों बड़ा बड़ा विकेट कौन सा विकेट था, तो पहले नंबर पे बात करेंगे दोस्तों रचिना रविंद्र, जो कि 105 बॉल पे 65 रन की पारी खेले 5 ओवर 1 छक्के के मार से, जिन्हें बंसी गठन सुंदर ने बोल्ड आउट कर दिया। उसके बाद डेरली मिचेल को भी LBW आउट कर दिया। उसके बाद टॉम बलनडेल का टेस्ट में एंट्री हुआ था, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, उसे भी बंसी गठन सुंदर ने बोल्ड आउट कर दिया। और ग्लेन फिलिप भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, उन्हें भी मतलब बंसी गठन सुंदर रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उसके बाद मिचेल सेंटर, साउथी, अजाज पटेल। इसी के साथ बंसी गठन सुंदर का करियर का सबसे अच्छा स्पेल रहा, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बना लिए हैं। और बात करेंगे दोस्तों इधर से, जो कि डेविन कॉनवे, जो कि काफ़ी अच्छा पारी खेले 76 रन की पारी खेले। उसके बाद रचिना रविंद्र, जो कि 65 रन की पारी खेले, और मिचेल सेंटर 33 रन, और कोई बल्लेबाज मतलब 20 काका पार नहीं कर पाए। तो बात करेंगे दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, रोहित शर्मा को टीम सऊदी ने फिर से बोल्ड आउट कर दिया। और सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जो कि दोनों क्रीज पर डटे हुए हैं। तो दोस्तों कल का देखिए कल क्या होता है, कल इंडिया कितना का लीड लेती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।